Hello civil engineers, welcome once again to this video series on civil engineering excellence. So today we are going to discuss about mudmat PCC, then foundation concrete, and then after that I will tell you about the concreting of stub column. So first of all I will tell you the mudmat. If you remember last video we have done the complete excavation for foundations. So first the thing we have to do is the mud mat. Generally we go for mud mat with 148 or 1510 PCC. So let us assume we are doing 148. So that we have to do at least 1 day before. Only precaution what we have to take is the grid line you check and foundation what box we are keeping. Box ke teenon charon taraf humko kam se kam 75 mm ka additional concrete PCC ka milna chahiye. Reason is jab hum box ki peti bithate hain foundation ki, उसके साइड में प्रॉपर स्पेस रहनी चाहिए जिसके थ्रू कि हम कॉटन वेस्ट वगैरह लगा के उसको पैक कर सकें, अदरवाइज स्लरी लॉस होने का चांस रहता है। सो जब हमारी प्रॉपर पीसीसी हो गई आज, कल सुबह हमको प्लान करना है कंक्रीट के लिए, तो हमको पेटी अपनी बैठाना है फाउंडेशन की। आप पेटी को बैठाइए जगह पे, वापस एक बार आपका सर्वे पॉइंट चेक करिए, बिकॉज फाउंडेशन इज गोइंग टू बी द परमानेंट फीचर ऑफ द बिल्डिंग। सो चेक करके एक्स वाई ग्रिड के हिसाब से आप पेटी बिठाइए, देन आपकी रिइंफोर्समेंट जाली एंड कॉलम का जो केज है आपका है उसको प्रॉपर प्लेस करिए। डायरेक्शन कॉलम का एक बार वापस चेक करिए, कौन से डायरेक्शन में लॉन्गर साइड है, कौन से डायरेक्शन में शॉर्टर साइड है, बिकॉज कभी कभी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कॉलम घूम जाता है। सो एक बार ड्राइंग के हिसाब से आप कन्फर्म करिए। वो करने के बाद विथ प्रॉपर कवर ब्लॉक एंड अदर थिंग्स फाइनल पोजिशन रिइंफोर्समेंट जाली, फाउंडेशन जाली प्लस केज ऑफ दैट कॉलम रिइंफोर्समेंट प्लेस कर दीजिए। नाउ वी आर रेडी फॉर द कॉन्क्रीटिंग। अब आप प्लान करिए, यदि आप साइट पे कॉन्क्रीट कर रहे हैं तो साइट पे कॉन्क्रीट करने के लिए कम से कम मिनिमम वेव एचर यू मस्ट यूज। वॉल्यूमेट्रिक कॉन्क्रीट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन साइट पे होते हैं और वो प्रॉपरली स्ट्रेंथ मिलती नहीं है। लेट अस गो, वी आर गोइंग विद साइट मिक्स्ड कॉन्क्रीट विद वेव एचर। सो वेव एचर से आप कॉन्क्रीट बनाइए, जो भी ग्रेड आपका डिसाइड किया हुआ M25 M30 जो भी, उसके हिसाब से आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन चेक करिए कितनी है। यदि वो ज्यादा है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो फिर आपको एक स्टूट यूज करना चाहिए कंक्रीट प्लेस करने के लिए, नहीं तो आप ऊपर से कंक्रीट डायरेक्ट थ्रो करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन होने का चांस है। तो स्टूट के थ्रू आप कंक्रीट उसमें प्लेस करिए प्रॉपरली और उसके बाद प्रॉपर उसको वाइब्रेशन वगैरह करिए, चारों तरफ से अच्छे से उसको फिनिश करिए प्रॉपर मेसन लगा के। अब आप सोचेंगे ये फाउंडेशन में इतने मेसन लगा के फिनिश करने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है दोस्तों कि फाउंडेशन आपकी अंडरग्राउंड रहती है हमेशा एंड देयर आर ऑल चांसेस कि उसमें वाटर इंग्रेस हो सकता है, तो हमको जो कि आपका बाद में करोजन का कारण बनता है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर फिनिश करनी चाहिए। अच्छे से घोटाई करके उसको बढ़िया तरीके से फिनिश करके कंप्लीट करिए। कॉलम के पोर्शन में कंसल्टेंट क्या करते हैं, समटाइम्स दे सजेस्ट ए की फॉर द बॉन्ड पर्पस। वो की बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वुडन बल्ली डाल के और वुडन बल्ली से की बनाते हैं, बाद में वुडन बल्ली निकाल लेते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या देखा है कि वो की बनाने से जब हम कॉलम करने जाते हैं उसके बीच में उसमें हम मिट्टी आ जाती है, कचरा आ जाता है, लूज कंक्रीट के पीस रहते हैं जो कि साफ नहीं हो पाते हैं। तो मेरा सजेशन क्या है, आप की अवॉइड करिए, जितनी आप कॉलम की साइज है उसके हिसाब से जो फाउंडेशन का जो टॉप है उसको बढ़िया फिनिश करके प्रॉपर बनाइए, उसमें जाली मारिए। जाली बनाने से आपको थोड़ा रफ हो जाएगा और उसमें मेटल के पीसेस थोड़ी थोड़ी दूर पे आप लगा दीजिए, 2 नंबर के 3 नंबर के मेटल के पीस उसमें लगा दीजिए, जिससे कि आपका बॉन्ड का पर्पस सर हो जाएगा। बढ़िया उसको फिनिश करके आप छोड़ दीजिए, फिर आप अगली फाउंडेशन में जाइए। जितनी भी फाउंडेशन आपने एक दिन में प्लान की है वो कंप्लीट कास्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये आइसोलेटेड फाउंडेशन का कंक्रीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्टब कॉलम के बारे में। सो अगले दिन जब आपको स्टब कॉलम करना है, स्टब कॉलम इज नथिंग बट द कॉलम पोर्शन विच इज कमिंग बिलो द प्लिंथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुटिंग टू बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम। तो उसकी हाइट वेरी करती है बिकॉज आपके फाउंडेशन के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शटरिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप 2 या 3 सेट बनाइए और उसको लगाइए उसके हिसाब से। लेकिन वो जो सेट बनेंगे वो भी विद प्रॉपर शटरिंग के होना चाहिए। कई कॉन्ट्रेक्टर क्या करते हैं, वो ब्रिक्स लगा के स्टब कॉलम बना देते हैं या टेम्परेरी शटर लगा के, बिकॉज ये ग्राउंड के अंदर जाने वाला है। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, स्टब कॉलम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टोटल। इट इज ऑल्सो ए कॉलम एंड मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग बिलो द ग्राउंड। सो स्टब कॉलम ऑल्सो शुड बी मेड प्रॉपर लाइक ए कॉलम। कभी उसकी हाइट 2 फीट आएगी, 3 फीट आएगी, जो भी आएगी, कोशिश करिए उसको प्लिंथ बीम बॉटम तक ले जाने की। नहीं तो क्या होता, थोड़ा गैप छोड़ दिया तो प्लिंथ बीम करने के टाइम पर उसमें फिर हमको एक छोटा सा पोर्शन जिसको कि कॉन्ट्रेक्टर की भाषा में टोपी बोलते हैं वो लगाना पड़ता है। वो हाइट का स्टब कॉलम बनाइए,
उसमें प्रॉपर कवर लगाइए कॉलम में, और स्टेप कॉलम का भी प्रॉपर ब्रेसिंग करिए सो दैट वो कॉन्क्रीटिंग के टाइम में इधर उधर मूव नहीं हो, एंड उसमें भी प्रॉपर वाइब्रेशन होना चाहिए। कॉलम में वाइब्रेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बराबर कॉन्क्रीट कोनों में नहीं जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वुडन मैलेट लेके उसको थोड़ा थोड़ा बाहर से भी थोड़ा टैपिंग करना चाहिए, और ऊपर से आप निडल लगा के कॉन्क्रीट करिए, तो इस तरीके से आपका स्टेप कॉलम का कॉन्क्रीट भी प्रॉपर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसमें आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।